हिमाचल में भाजपा नेत्रियों के ऑडियो वायरल होने पर पहले ही महिला मोर्चा में विस्फोट की स्थिति बनी हुई थी और दो भाजपा नेत्रियों की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस भी जारी कर दिया गया था। अब इस कार्रवाई से नाराज महिला कार्यकर्ताओं में विरोध की आग भी भड़क चुकी है। इस आग में अब सोलन के जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने घी डालने का काम भी किया और इसे प्रचंड करने का प्रयास किया है। शिव कुमार ने कहा कि महिलाओं की बात आज सार्वजनिक हो चुकी है, जिससे लाखों रुपए के लेन देन की बात आई है, जो हिमाचल के लिए शर्मसार की घटना है। उन्होंने कहा कि इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, ये बेहद खेद का विषय है। जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने महिला मोर्चा विवाद को तूल देते हुए कहा कि भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं का ऑडियो वायरल हुआ है, जिस पर दो कार्यकर्ताओं की प्राथमिक सदस्यता भी रद्द की गई है। पद को लेकर लाखों की राशि की लेन देन की बात ऑडियो में वायरल हुई है, जिसे सुनकर प्रतीत होता है कि इस ऑडियो से भ्रष्टाचार का नाता है, लेकिन भाजपा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द करके इस मामले को शांत करने का प्रयास किया है, लेकिन क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार जमकर किया है, भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा भी कई मामले प्रकाश में आए हैं, लेकिन सभी को दबा दिया गया। इस घटना से भाजपा के चाल और चरित्र का पता चला है। उन्होंने कहा कि आज तक ऐसे आरोप पहले कभी नहीं लगे हैं। उन्होंने कहा कि आरोप गंभीर है, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। पूरा प्रदेश शर्मसार हो गया जब वो वीडियो टेप जनता के सामने आई, जिसमें भाजपा की नेत्रियां एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं कि तेने पद 5 लाख में लिया और तेने पद इतने लाख में लिया। बहुत शर्म की बात है कि जो पार्टी चाल चरित्र और चेहरा इनको एक अपना मान कर राजनीति करती थी, आज उनका चेहरा, उनकी चाल, उनका चरित्र जनता के समक्ष आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी कब तक इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करेंगे? पहले कोरोना काल में भ्रष्टाचार हुआ, उसकी कोई जांच नहीं हुई, इनके अध्यक्ष महोदय को रिजाइन करना पड़ा, उसकी कोई जांच नहीं हुई। आज इतने एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता के लाखों का लेन देन हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, कोई इसकी जांच करवाना नहीं चाहते। महिलाओं के इस टेप ने जो उन्होंने उजागर किया है, इससे इनका चेहरा और भाजपा की नीतियां जो जनता के समक्ष आ गई हैं। भ्रष्टाचार किसी भी क्षेत्र में ले लो, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कब तक आंखें बंद कर रहेंगे ये समझ में नहीं आता। पूरा प्रदेश जो है इस एपिसोड, जो ये एपिसोड हुआ है, जिस एपिसोड में नेत्रियों ने एक दूसरे पर लांछन लगाए हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें क्या, किस तरह की कार्रवाई करते हैं, क्या वो भ्रष्टाचार के लिए गंभीर हैं या नहीं है। और दूसरी जो जिस तरह की बातें ये उजागर हो रही हैं, इससे जो हमारी देवभूमि शर्मसार हो रही है, इस तरह के लांछन कभी आज से पहले सुनने को नहीं मिले। और भाजपा के अध्यक्ष महोदय ने अपनी पल्ला झाड़ लिया, उनको दोनों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बाहर कर दिया और पल्ला झाड़ लिया। क्या इन बातों से भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं? मैं माननीय कश्यप साहब से पूछना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार क्या इन बातों से खत्म हो गया? भ्रष्टाचार के लिए आपकी कोई जवाबदेही नहीं, आपकी पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई जवाबदेही नहीं। पूरा प्रदेश जो है वो माननीय मुख्यमंत्री की ओर देख रहा है कि इस बारे में वो क्या कार्रवाई करते हैं, किस तरह का एक्शन लेते हैं, और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि भ्रष्टाचार के प्रति इनकी पार्टी जो है वो कितनी गंभीर है। केंद्र में जिस तरह का हालात बना हुआ है, जिस तरह से वहाँ खरीद फोकत की राजनीति चल रही है, उसी तरह की राजनीति हिमाचल में भी पनपने लगी, बड़ी शर्म की बात। पूरा प्रदेश जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर देख रहा है कि उसमें किस तरह की कार्रवाई अमल में लाती है।